भारत ने पाकिस्तान में स्थित आतंकवादी संगठनों को नष्टनाबूद कर दिया है। देश की इतनी बड़ी कार्रवाई से जहां एक तरफ पाकिस्तान में हाहाकार मच गया, वहीं इस कार्रवाई से हाल ही में हुए पुलवामा हमले में शहीदों के परिजनों को काफ़ी सुकून मिला है। देर रात भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई की, जिसको लेकर पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई है। आपको बता दें कि देवरिया जनपद के विजय कुमार मौर्य पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद हो गए थे, जिसके साथ ही कई जवान भी काल के गाल में समा गए थे। जिसके बाद देश में एक तरफ जहां शहीदों को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी जा रही थी, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान से इस कायराना हमले का बदला लिए जाने की भी मांग की जा रही थी। जिसके बाद भारतीय वायुसेना द्वारा पाकिस्तान में घुसकर आतंकी शिविरों को बर्बाद करने की बड़ी कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई से शहीदों के परिवारों में खुशी का माहौल है। वहीं शहीद की पत्नी ने बताया कि जब हमने ये खबर सुनी तो हमें सुकून पहुंचा। हम चाहते हैं कि हमारी सेना और भी बड़ी कार्रवाई करे और ऐसे नापाक लोगों को साफ करे। वहीं शहीद के पिता ने बताया कि इस कार्रवाई से थोड़ा सुकून जरूर मिला है, लेकिन ऐसी कार्रवाइयाँ जारी रहनी चाहिए। हम बहुत संतुष्ट हैं। जब सुने कि इतने मारे गए हैं आतंकवादी तो बहुत खुशी हुई। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी जितना हो सके, जितना उतने को साफ कर दिया जाए तो इसके लिए बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हम इसके बारे में यही कहेंगे कि जो भी कार्रवाई हुआ है कुछ नहीं हुआ है, और इससे हाई कार्रवाई किया जा सकती। वहाँ आदमी तो आदमी क्या, पेड़ पाड़ क्या, वहाँ पानी पानी हो जाए, इस तरह की कार्रवाई किया जाए। और वहाँ के जो मुख्यमंत्री है उसको भी नाम निशान खत्म हो जाना चाहिए। देवरिया से जनमत न्यूज के लिए अजीत सिंह की रिपोर्ट।